नमस्कार, सर्विलांस खबर में आप सभी का स्वागत है। लोगों की नींद हुई हराम, चोर कर रहे हैं अपना काम, पुलिस चोरों को पकड़ने में हो रही है नाकाम, थकी हारी जनता कैसे करे आराम। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोगों से बड़े बड़े दावे करते नजर आती है कि भय मुक्त अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनेगा, लेकिन अपराधियों पर सरकार लगाम नहीं लगा पा रही है। मामला अम्बेडकर नगर जिले का है। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा औलियापुर में 13 सितंबर 2021 को अज्ञात चोरों ने देर रात उस समय धावा बोल दिया जब पूरा परिवार सो रहा था, तथा अज्ञात चोरों ने घर में रखे करीब 2 लाख रुपयों के साथ साथ कई अदद जेवरात लेकर फरार हो गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि अंबेडकर नगर के अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा औलियापुर निवासी भगवती प्रसाद द्विवेदी पुत्र स्वर्गीय रामदेव द्विवेदी के घर अज्ञात चोरों ने धावा बोल दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको यह भी बताते चलें कि पीड़ित भगवती प्रसाद द्विवेदी की पुत्री शीला पाठक कई दिनों से बीमार चल रही हैं, जिसके इलाज के लिए पूरा परिवार लोहिया अस्पताल में लेकर भर्ती है, तथा घर पर भगवती प्रसाद द्विवेदी की बहू एवं बेटी थी। बेटी के ऑपरेशन के लिए करीब 2 लाख रुपए घर पर रखा था। घर पर भगवती प्रसाद द्विवेदी की बहू और बेटी सोई हुई थी कि बीती रात को अज्ञात चोरों ने घर में रखे करीब 2 लाख रुपए कई अदद जेवरात के साथ साथ घर में रखे बॉक्स को लेकर फरार हो गए। बहू व बेटी की सुबह जब नींद खुली तो घर की हालत देख कर चीख पुकार करने लगी। चीख पुकार सुन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई, चर्चाओं का माहौल गर्म हो गया, सामानों की खोजबीन की जाने लगी। घर से चंद कदमों की दूरी पर खेत में टूटा हुआ बॉक्स मिला, तथा बॉक्स में रखे गए कपड़े धान के खेत में बिखरे पड़े थे। बॉक्स में रखे गए कई अदद जेवरात सहित करीब 2 लाख रुपए गायब मिले। सामान को गायब देखकर बहू और बेटी का रो रोकर बुरा हाल हो गया है। वहीं भगवती प्रसाद द्विवेदी ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर दी है, लेकिन अभी तक कोतवाली अकबरपुर के द्वारा चोरों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। मस्त मौज रूप में बेखौफ चोर घूम रहे हैं, आखिर पुलिस इतना लापरवाह कैसे हो सकती है। इस मामले पर पुलिस अधीक्षक अम्बेडकर नगर को स्वतः संज्ञान लेते हुए लापरवाह पुलिस कर्मियों के ऊपर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां सरकार के ऊपर आरोप भी लगा रही हैं, भ्रष्टाचार भय मुक्त सरकार विफल रही है, सरकार के सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। आगामी 2022 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई ठोस कदम ठोस निर्णय भ्रष्टाचार पर लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर आजमगढ़ जिले से आ रही है। प्रयास संगठन के सहयोग से अजमतगढ़ ब्लॉक के राजादेपुर बाजार से 10,000 रुपए घूस लेते हुए एंटी करप्शन गोरखपुर टीम ने सेक्रेटरी को गिरफ्तार कर लिया है। एंटी करप्शन की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है। मंगलवार को अजमतगढ़ ब्लॉक के शिकायतकर्ता पूर्व प्रधान अवधेश गौतम निवासी पुरुषोत्तमपुर कैथोली की शिकायत पर एंटी करप्शन गोरखपुर प्रभारी रामधारी मिश्रा की अगुवाई में सेक्रेटरी श्री राम पुत्र मल्लू निवासी मधुबन मऊ को 10,000 रुपए घूस लेते रजादेपुर चौक से रंगे हाथ गिरफ्तार करके जीएनपुर कोतवाली ले गए और विधिक कार्रवाई में जुट गए। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आपको यह भी बताते चलें कि आरोपी पीड़ित से सामुदायिक शौचालय प्राइमरी विद्यालय के कायाकल्प में डोंगल से फंड रिलीज के लिए 10,000 रुपए की मांग की थी। बताया यह भी जाता है कि सेक्रेटरी श्री राम की शिकायत कई बार प्रधानों से लेकर आम जनता भी अधिकारियों से पहले भी कर चुकी थी, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई थी। बहरहाल जो जैसा करेगा वह वैसा भरेगा। नमस्कार।